शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहाँ पर हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों की। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम बात करेंगे उस जरूरी सवाल पर जो हम सभी के जहन में हमेशा उठते रहता है कि जाति के विरोध में उठने वाली आवाजों में हमें ब्राह्मणवादी लोगों की आवाजें सुनने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या जाति को खत्म करने के आंदोलन का हिस्सा ठाकुर बनिया ब्राह्मण कभी बनेंगे या नहीं बनेंगे। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे महापुरुषों के सामने ये सवाल नहीं आया होगा या उन्होंने कभी भी इस विषय पर नहीं सोचा होगा या नहीं लिखा होगा। हमारे महापुरुषों में से एक परम पूजनीय बाबा साहब ने इस सवाल का जवाब लिख रखा है अपनी किताब में, पर हम लोग इतने नालायक लोग हैं कि हम उन किताबों को पढ़ना नहीं चाहते। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ब्राह्मण राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार के मामलों के आंदोलन में सदैव अग्रसर रहते हैं, लेकिन जात पात के बंधन तोड़ने की बनाई गई सेना में सिविल अनुयायी कैंप फॉलोअर के रूप में भी नहीं पाए जाते। क्या ऐसी आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस मामले में ब्राह्मण लोग नेतृत्व करेंगे? मैं कहता हूं नहीं। आप पूछ सकते हैं क्यों, आप दलील दे सकते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है कि ब्राह्मणों को सामाजिक सुधार से क्यों दूर रहना चाहिए। आप तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण यह जानते हैं कि हिंदू समाज का अभिशाप जाति व्यवस्था है, और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इसके परिणाम के प्रति उदासीन रहेंगे। आप यह तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, एक तो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण और दूसरा पुरोहित ब्राह्मण। यदि पुरोहित ब्राह्मण जात पात समाप्त करने वाले लोगों की तरफ से हथियार नहीं उठाता है तो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण उठाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सारी बातें ऊपर से बहुत ही विश्वसनीय लगती हैं, लेकिन इन सब बातों में हम यह भूल जाते हैं कि यदि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो ब्राह्मण जाति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या यह आशा करना उचित है कि ब्राह्मण लोग ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व करने के लिए सहमत होंगे जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण जाति की शक्ति और सम्मान नष्ट हो जाएगा? क्या धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों से यह आशा करना उचित होगा कि वे पुरोहित ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए आंदोलन में भाग लेंगे? मेरे निर्णय के अनुसार धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों और पुरोहित ब्राह्मणों में भेद करना व्यर्थ है। वे दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, वे एक शरीर की दो भुजाएं हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ने के लिए बाध्य है। दोस्तों, ये जो जानकारी मैंने आपको पढ़ के बताई वो इस किताब से मैंने आपको पढ़ के बताई है। इस किताब का नाम है जाति का उच्छेद, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। इस किताब में बाबा साहब ने अपने शब्दों में बहुत ही क्लियर तरीके से डिफाइन कर रखा है कि कोई भी सो कॉल्ड अपर कास्ट का पर्सन कभी भी जाति को खत्म करने के लिए काम नहीं करेगा। इस किताब में बाबा साहब ने केवल ब्राह्मण का नाम दिया है, लेकिन आप इस चीज को तीनों पर लागू कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये लोग कभी भी जाति का विरोध नहीं करेंगे, ना ही जाति को खत्म करने के लिए काम करेंगे। तो फिर क्या वजह है कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी और राजनेता इस तरह के आंदोलनों में उम्मीद करते हैं कि सो कॉल्ड अपर कास्ट के पर्सन, अपर कास्ट के लोग, ब्राह्मणवादी लोग आकर सहयोग देंगे या वो लोग खुद आगे आकर इस कास्ट को खत्म करने की पहल करेंगे? ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाति का विनाश या जाति का उच्छेद नामक इस किताब को आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमें बहुजन साहित्य के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पर हमने एक अलग से ग्रुप बना रखा है, उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, हमारी एक दर्शक हैं पूजा पटेल जो कि भोपाल में रहती हैं, उन्होंने हमें ये किताब सच्ची रामायण गिफ्ट की है, डोनेट की है। अगर आप लोग भी इस तरह से कोई किताब बहुजन साहित्य को डोनेट करना चाहते हैं या हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप लोग वहां से नंबर लेकर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, फिर किसी किताब का रिव्यू करते हुए या किसी किताब पर चर्चा करते हुए। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।